गैस बढ़िया साहब गैस बहुत सारे लोगों को फील्डिंग के टाइम दिक्कत आता है बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि बाउंड्री से जब हम लोग थ्रो फेंकते हैं तो हमारा जो थ्रो है वो शाम तक पहुंचता ही नहीं और थर्तीय पर जब फील्डिंग करते हैं तो डायरेक्ट हिट करने की ज़रूरत पड़ती है बट बहुत सारे लोगों को ये डायरेक्ट हिट करने में भी प्रॉब्लम आते हैं सो so, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग फील्डिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं और स्पेशली हम लोग थ्रो के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको थ्रो कैसे फेंकना चाहिए थ्रो फेंकते टाइम आपको कौन से बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप भी डायरेक्ट स्टाम्प पर हिट कर पाओ या फिर जब बाउंड्री से आप थ्रो करते हो तो आपका जो बॉल है वो डायरेक्ट जो स्टाम्प के पास रहता है कीपर या फिर जो बॉलर उन तक बॉल पहुंचे और उनके हाथ में पहुंचे ठीक है ऐसा नहीं कि आपका थ्रू कहीं दूसरी ओर पहुंचे तो आप लोग कैसे इसे कर सकते हो कैसे इसको अंजाम दे सकते हो जो कंप्लीट प्रोसेस है ए टू जेड वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हो ठीक है सो इसीलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना ताकि सारे बातें आपको ठीक से समझ में आए और आप लोग भी जब क्रिकेट खेलते हो मैचेस खेलते हो आपसे मतलब थ्रू फेंकते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आए और हाँ बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यह भी रहता है कि उनका शोल्जर में लग जाता है जब वह थ्रो करते हैं तो इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात करेंगे कैसे आप इनका सोल्यूशन निकाल सकते हो आप बस कंप्लीट वीडियो को एक बार देख लो उसके बाद आप क्रिकेट में थ्रो फेंकना कंप्लीट सीख जाओगे गैज क्रिकेट में अगर आपको थ्रो फेंकना है तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बॉल को आपको सफाई से कलेक्ट करना है तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि पहले ही वो सोचते हैं कि बॉल को मुझे थ्रो फेंकना है और बैट्समैन को आउट कराना है तो ऐसा मत सोचो पहले बॉल को सफाई के साथ कलेक्ट करो उसके बाद आपको थ्रो फेंकना है ये बात हमेशा ध्यान में रखो तो चलिए सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं गाइज बॉल को कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं क्रिकेट में सबसे पहला जो तरीका है वो डिफेंसिव मेथड जिसको बोलते हैं यानी कि बॉल जब काफ़ी ज़ोर से आपके पास आ रही होती है और आप बाउंड्री में फील्डिंग करते हो तो आपको इस वाले पोजीशन में होना है ठीक है यहाँ पर आपको गैप नहीं रखना है और इस घुटने को बैन करके जो बॉल आएगी यहाँ पर आपको आसानी से कलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से बॉल के लाइन में आके इधर पे अगर आपका टकरा जाए तो यहाँ पे बॉल रुक जाएगा आपके मतलब नीचे से नहीं चला जाएगा ठीक है यह वाले पोजीशन में पकड़ो और उसके बाद आप खड़े होकर मतलब थ्रू वाले पोजीशन में आओ ठीक है गाइज उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो आपके पास मतलब जब बॉल आ नहीं रहा होता है आपको बॉल के पास भाग के जाके बॉल को पकड़ना होता है उसमें आपको इसको अप्लाई करना है ठीक है काफ़ी बॉल मतलब उतना जोर से भी नहीं आ रहा होता है और बैट्समैन उसको हल्के हाथों से खेल के रन छुरा रहे होते हैं तब क्या करना होता है कि बॉल के बॉल के पास आपको भाग के जाना है और बॉल को कलेक्ट करना है तब आपको कौन सा पोजीशन लेना है आपको बता देता हो ठीक है तो नॉर्मली आप बोल बॉल के पास जाओगे और जो बॉल का लाइन है वहाँ पर आपको साइड ऑन होकर इस प्रकार से खड़ा हो जाना है मतलब इस प्रकार के बॉल आपका यहाँ पर होना चाहिए ठीक है थीके? ये वाला साइड में रहेगा और ये टेरा करके होगा और फ्रंट वाला पैर सीधा और ऐसे आप झुक के बॉल को अपने यहाँ पर कलेक्ट करोगे ज़्यादा आगे भी आपको कलेक्ट नहीं करना है ज़्यादा पीछे भी कलेक्ट नहीं करना है आपके जो बॉडी के आंखों के नीचे यहाँ पर कलेक्ट करना है ठीक है आप नॉर्मली इस पास से फाक के जाओगे और यहाँ से बॉल को ऐसे कलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आप थ्रू फेंकने के लिए जाओगे ये आपको क्यों करना है बाईचांस अगर आपका मतलब बॉल हाथ से छूट भी जाता है तो पैर में लग के रुक सकता है वहीं पर कुछ लोग जाते हैं इस प्रकार से पकड़ने के लिए इस प्रकार से अगर आप लोग पकड़ने के लिए जाओगे बॉल अगर आपने देखना बंद कर दिया तो इधर से निकल के चली जाएगी बॉल आपसे मिस हो जाएगी जो मिस फिल्ड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है और इसी तरह बहुत सारे फिल्डर मिस करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है जो मैंने आपको ये वाला पोजिशन दिखाया है ऐसे पकड़ना है ठीक है सो so गाइज आपने बॉल को कैसे कलेक्ट करना है इसे तो सीख लिया है अब हम लोग सीखते हैं कि बॉल को आपको थ्रो कैसे फेंकना है तो आपने इस प्रकार से बॉल को कलेक्ट तो कलेक करना है तो सीख लिया और कलेक्ट करने के बाद आपको दोनों हाथों से बॉल को लेकर आना है अपने कमर के पास ठीक है यहाँ पर लाना है हमेशा ये याद रखो कि बॉल को कलेक्ट करने के बाद यहाँ तक उठाना है और उसके बाद ही आपको थ्रू को फेंकना है तो स्टेप वन में आपने कलेक्ट किया स्टेप टू में यहाँ पर लाओगे उसके बाद अपना पोजीशन लोगे और पोजीशन लो थ्रो थ्रू करोगे तो अब हम लोग सीखते हैं कि आपको थ्रू कैसे फेंकना चाहिए सो गाइस थ्रो फेंकने के भी दो तरीके होते हैं हालाँकि काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से थ्रू फेंकते हैं उसके ऊपर बात नहीं करेंगे उतना ज़्यादा जो बेसिक्स है उसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे सबसे पहला जो तरीका है हम लोग मतलब साइड से थ्रो कर रहे हैं इस प्रकार से ज़्यादातर जो यार्ड के सर्कल या फिर आसपास फील्डिंग करते हैं वहाँ से इस प्रकार के थ्रू ही चलता है क्योंकि हम लोगों को काफ़ी जल्दी थ्रो को फेंकना पड़ता है ठीक है तो ऐसे कलेक्ट करने के बाद आपको हाथ को इस प्रकार से साइड में लेकर जाना है और ये वाला हाथ मतलब टारगेट की ओर रहेगा और जहाँ पर आप बॉल को फेंकोगे वहाँ पर पूरा अपना निशाना अपना फोकस करो और उसके बाद बॉल को फेंक दो ठीक है तो ये हो गई मतलब पहला तरीका जिससे हम लोग साइड ऑन होकर बॉल को फेंकते हैं साइड से सो so, गए उसके बाद जो दूसरा तरीका है वहाँ पर भी आप बॉल को यहाँ पर ही कलेक्ट करके लाओगे और उसके बाद थोड़ा मतलब सीधा आपको फेंकना होगा इस तरह से साइड ऑन होकर टारगेट की तरफ फोकस करोगे स्टाम की तरफ या फिर आप जिसको भी बॉल को थ्रो करोगे विकेट कीपर या फिर बॉलर को तो आप मतलब इस प्रकार से बॉल को पीछे लेकर जाओगे और इस प्रकार से थ्रो को फेंक दोगे ठीक है नॉर्मल यहाँ पर स्टेप टू और स्टेप थ्री इस पार से थ्रो फेंक के आप बड़े ही आसानी से अपने टारगेट को निशाना लगा सकते हो तो अब हम लोग बात करते हैं कि थ्रू फेंकते टाइम आपका पोजीशन कैसा होना चाहिए तो नॉर्मली आप ई वाले पोजीशन में खड़े हो गए जैसे हम लोग बोल फेंकते टाइम साइड ऑन होकर खड़े होते हैं थ्रू फेंकते टाइम भी आपको ये वाले पोजिशन में ही खड़ा होना है बिल्कुल आप सीधा होकर ऐसे थ्रो को नहीं फेंक सकते मतलब आपको साइड ऑन होकर जो टारगेट है आपका वहाँ पर आप ये पैर इस प्रकार से बैंड होगा और ये सीधा होगा और उसके बाद जो आप इस प्रकार से पोजीशन बनाओगे तो अपना जो वेट है उसको अच्छे तरह से ग्राउंड में रखोगे और उसके बाद थ्रो को फेंकोगे तो थ्रो काफ़ी ज़ोर से जाएगी ये नहीं कि बॉल पकड़ा और हवा हवा में उड़ के ही बॉल को थ्रो फेंक दिया हवा हवा में ही आप थ्रो फेंक के काफ़ी ज़ोर से थ्रो नहीं कर सकते इसलिए अपना प्रॉपर बॉडी वेट अपना बेस को बनाओ अपना पोजिशन को ठीक से और उसके बाद अपने टारगेट के ऊपर निशाना लगाते हुए पूरा फोकस करते हुए थ्रो को फेंको आपका थ्रो जरूर टारगेट तक जाएगी सो गाइस थ्रू फेंकने के लिए आप लोगों के मसल्स में स्ट्रेंथ होना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपके मसल में स्ट्रेंथ नहीं होता है तो आपका थ्रू ज़्यादा जोर से नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे जब थ्रो करते हो तो ये वाले मसल्स में ये वाले मसल्स में थोड़ा जोर लगता है और आपके थाई के मसल्स में भी अगर जोर होगा तो आप अच्छे से अपना बेस को बना पाओगे ज़मीन पर और उसके बाद अपना पोजिशन के ठीक से थ्रो कर पाओगे तो इसलिए अपने मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथ करिए जितने भी क्रिकेट के एक्सरसाइज आते हैं उसके ऊपर फोकस करिए तो आपके थ्रू लगेंगे ठीक है काफी अच्छे से जाएंगे ऐसी बात नहीं है कि थ्रू फेंकना काफी मुश्किल है ऐसा नहीं होता है थ्रू फेंकना आसान होता है अगर ठीक से आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो ये मुश्किल नहीं है ठीक है और उसके बाद अगर हम लोग बात करें बहुत सारे लोगों का कंधा मतलब दर्द करने लगता है थ्रू फेंकने के बाद यह होता है वार्म अप ना होने की वजह से इसलिए खेलने से पहले अपने शोल्जर को थोड़ा सा हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए जिससे आपका जो मसल्स है आपके जो जॉइन वाले ये थोड़ा फ्री हो जाए और आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाए ठीक है तो हमेशा वार्म अप के ऊपर ध्यान देना खेलने से पहले और उसके बाद गाइज अगर आप लोग बड़े बड़े फील्ड पर खेलते हो स्टेडियम पर खेलते हो तो आपको इतना ज़्यादा दूर देख के घबराना नहीं है थ्रो को ठीक से फेंकोगे तो जाएगा वहाँ से उतना भी दूर नहीं होता है हाँ दूर होता है अगर पहली बार खेल रहे हो तो आपको लगेगा कि आपका थ्रो नहीं भी जा सकता या फिर आपका थ्रो कहीं और भी जा सकता है बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके थ्रो भी सही सही से जाने लगेगा बस पॉजिटिव माइंड के साथ थ्रो फेंको आपका थ्रो जरूर टारगेट तक जाएगा ठीक है सो so गाइज मैंने आप लोगों को थ्रो कैसे फेंकना है ये बता दिया है और आप लोगों को कभी भी मतलब दूर की जगह देखकर घबराना नहीं है पॉजिटिव माइंड के साथ आपको थ्रो को फेंकना है आपके थ्रो जाकर ज़रूर पे हिट करेगी ठीक है तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे जितने भी मेहनत किया है हमने आपके लिए तो उसको अप्रिशिएट करते हुए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हो और साथ ही में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लोग आपके लिए क्रिकेट से जुड़े वीडियोस हमेशा बनाते रहते हैं तो मिलता हो आपसे इसी प्रकार का एक और वीडियो के साथ तब तक आर कहता है आपका डिस्कवरी और गेम